यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द गेम प्ले ऑडियो। और आज हम दो पार्ट से खेलने जा रहे हैं भाई। ओ भाई, भैंस की टांग, मुझे साइकिल पे से गिरा दिया। इसको तो अभी बता दो, मैं बिल्डर के बच्चे मुझसे पंगा लेगा। पागल रो भी रो। अच्छा, मुझे पागल बता रहे, तेरी भैंस के पहले फुर्सत में निकल। गाइस यार, स्टार्टिंग में इस बिल्डर ने मुझे ठोक दिया। मैं जाता गाइस टिप्सन बॉस के पास, क्योंकि गाइस एक मिनट, गाइस टिप्सन तो मुझे इधर ही मिल चुका है। एक मिनट, अरे ओ भाई टिप्सन, गाइस टिप्सन को तो मैंने ठोक दिया। ओ भाई, मैंने नहीं समझा था गाइस टिप्सन। ओ वेट यार, टिप्सन तो आ चुका है। अरे टिप्सन बॉस, क्या हालचाल है? और टिप्सन मेरी बात तो सुन। हाँ, रोके रोके बच्चे, एक तो तुम मुझे कहीं पर भी आके ठोक देता है। हाँ बता क्या बात है। अरे टिप्सन बॉस, जब से हमने वाइस टाउन के स्कूल में एडमिशन लिया है, हम जब से एक बार भी स्कूल नहीं गए। जल्दी चलो फटाफट। नहीं नहीं रोपिरो, मैं स्कूल नहीं जा रहा, मुझे पता है वो मैडम बहुत खतरनाक है। चल तू सबसे पहले मेरे घर चल। देख रोपिरो, हम स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि वो टीचर बहुत खतरनाक। अरे नहीं नहीं टिप्सन बॉस, टीचर कभी खतरनाक नहीं होते, वो तो हमें पढ़ाने के लिए हमें मारते हैं। टिप्सन बॉस, आज हम स्कूल जाएंगे। हाँ रोपिरो के बच्चे, मैंने टीचर तो बहुत सारे देखे, लेकिन उस मिस्टी की तरह मैंने कोई टीचर नहीं देखा, वो बिना मतलब ही बच्चों को मारती है। वैसे भी रोपिरो, हम इतने दिनों के बाद स्कूल जाएंगे तो वो मिस्टी हमें बहुत मारेगी और बहुत सजा देंगी। रोपिरो हम स्कूल नहीं जा रहे। रुक रोपिरो, मेरा घर आ गया। ओह गाइस यार, अभी तो हम टिप्सन बॉस के घर आ चुके हैं। और देखो गाइस, टिप्सन बॉस कितना डरपोक है, डर के मारे गाइस स्कूल भी नहीं जा रहा। तो गाइस अभी फटाफट मैं अपनी साइकिल को इधर पार्क करता हूँ, और स्टेपसन को तो गाइस आज हम स्कूल लेकर ही जाएंगे। आप लोग गाइस इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। और यार अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ रोपिरो के बच्चे, लाइक और सब्सक्राइब तो लोग कर ही देंगे, लेकिन जल्दी से सोच उस मिस्टी के स्कूल में हम कैसे जाएंगे। और रोपिरो, हमारी क्लास टीचर मिस्टी है, मुझे तो पता नहीं क्या होगा। रोपिरो के बच्चे देख ले, तेरी भी और मेरी भी बहुत पिटाई होगी। अरे नहीं नहीं टिप्सन बॉस, मिस्टी टीचर कुछ नहीं कहेगी, जल्दी से चलो तुम। रोपिरो के बच्चे, एक तो वैसे इतने दिनों के बाद स्कूल जाएंगे, पता नहीं वो मिस्टी हमें क्या ही सजा देंगी। देख रोपिरो, मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुन, हम ये बोल देंगे नानी के घूमने गए थे। और रोपिरो तू बोल देना मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बनी थी, ऐसे रोपिरो हम बच जाएंगे। तो रोपिरो जल्दी से हम स्कूल चलते हैं फटाफट। और रोपिरो, हमारे स्कूल का टाइम 8 बजे का था और अभी बज रहे हैं 10। रोपिरो अरे हाँ टिप्सन बॉस, अरे लेकिन टिप्सन बॉस कोई बात नहीं, पहले दिन तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। अभी मैं जल्दी से अपनी साइकिल उठाता हूँ, जल्दी से तुम फटाफट तैयार हो जाओ। तो गाइस देखते हैं आज रोपिरो और टिप्सन बॉस का स्कूल का पहला दिन कैसे जाता है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं स्कूल में। अरे रोपिरो, उस स्कूल की वो मिस्ट्री टीचर बहुत खतरनाक है भाई। अरे हाँ हम देख लेंगे गाइस, मिस्ट्री टीचर कितनी ही खतरनाक है। जल्दी से फटाफट मैं टिप्सन बॉस को बिठाकर जल्दी से वॉइस टाउन के स्कूल में चलता हूँ। तो फटाफट बैठो टिप्सन बॉस, जल्दी से। हाँ रोपिरो, कर्नल बॉस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रोपिरो तू जल्दी से फटाफट चल, और आज हम देखते हैं मिस्ट्री टीचर क्या बन के दिखाती है। रोपिरो जल्दी चल। अरे हाँ टिप्सन बॉस, जल्दी चल रहा हूँ। अब देखो हम कितनी जल्दी अपने स्कूल आ भी चुके हैं, जल्दी से दो ट्यूशन बॉस फटाफट। अरे रोपिरो के बच्चे, स्कूल का गेट भी बंद हो गया और वो मिस्ट्री बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी होगी। अरे हाँ टिप्सन बॉस, लेकिन ओहो भाई, टिप्सन वो हमारी साइकिल लेकर चला गया। ओ भाई गाइस यार, लेकिन गेट भी बंद हो चुका है और हमारी साइकिल भी वो ट्रैक वाला लेकर चला गया टिप्सन। हाँ रोपिरो, अभी तो हमें कहीं ना कहीं से स्कूल के अंदर जाना ही होगा, जल्दी आ रोपिरो जल्दी। अरे टिप्सन बॉस, उधर हमारी क्लास का रास्ता कहाँ से है? ओ भाई गाइस यार, टिप्सन को क्या ही हो गया यार, टिप्सन बॉस उधर से हमारा स्कूल नहीं है। ओ गाइस यार, पता नहीं टिप्सन किधर से जाएगा, लेकिन हम तो गेट कूद कर ही चलते हैं गाइस, क्योंकि ओ भाई टिप्सन गाइस अभी भी इधर ही खड़ा है। और भाई पता नहीं ये टिप्सन किधर से जाएगा, मुझे तो लग रहा है गाइस आज ये टिप्सन बॉस मिस्टी से बहुत पिटाई खाएगा। हाँ गाइस, क्योंकि हम तो गेट से चलते हैं, गेट गाइस खुल जाएगा। तो ऑलरेडी गाइस अभी मैं स्कूल के गेट पर आ चुका हूँ। 1 2 3 फाइनली गाइस हम आ चुके हैं लॉस सैंटोस सिटी में, जहाँ पर है मिस्टी का स्कूल। और ये टिप्सन कहाँ पर है? टिप्सन बॉस जल्दी से आ जा फटाफट, एक तो हम ऑलरेडी पहले से इतने लेट हो चुके हैं। देखते हैं गाइस यार, क्या हमें मिस्टी स्कूल में बिठाती है नहीं। लेकिन ये देखो गाइस, गेट भी बंद हो गया। अभी टिप्सन बॉस हमें क्या करना होगा? देख यार टिप्सन, गेट भी बंद हो गया। रोपिरो गार्ड से बात करते हैं, गार्ड गेट खोल देंगे। अरे वाह भाई टिप्सन बॉस, क्या बात है भाई, वाकई में यार टिप्सन बॉस की बात में दम है। गार्ड ने गाइस गेट खोल दिया, लेकिन मिस्टी गाइस ये तो बच्चों को पढ़ाने स्टार्ट कर दी। लेकिन चलो यार गाइस, अभी हम मिस्टी के पास चलते हैं। मिस्टी मैम, गुड मॉर्निंग। अरे मैडम जी, ये कौन? ये है हमारे स्कूल के होनहार बच्चे, जो उठते 10 बजे और स्कूल 12 बजे आते हैं। तो बच्चों, अब तुम ही बताओ, मैं इनको 12 बजे क्लास में बैठाऊं या नहीं, तुम ही बता दो सर। अरे वो सॉरी टीचर, वो मेरी यूनिफॉर्म 3 दिन से धुली हुई नहीं थी, आज भी मैं मैम बिना यूनिफॉर्म के ही आया हूँ। अरे मैम जी,
दादी और मैं अपने नानी के गया हुआ था और मैं इतने दिनों में आया हूँ आज। तो रो फिर तुम्हें तो क्लास में बिल्कुल नहीं बिठाऊंगी, तुम्हारी हरकतें बहुत बेकार है, तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। वाकई यार गाइस, कर्नल बॉस बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, टिप्सन बॉस। रो फिर मैं तो जा रहा हूँ। अरे टिप्सन बॉस क्या पता है मिस्ट्री टीचर तुम्हें बिठा ले। ठीक है रो फिर। अरे दोस्तों ये मिस्ट्री टीचर बहुत खतरनाक है। अरे मैम जी मैं अपनी नानी के गया हुआ था और मैं आज के बाद लेट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे बिठा लो क्लास में। गेट आउट, मैं तुम दोनों को क्लास में नहीं बिठाऊंगी, तुम दोनों बहुत तेज हो रहे हो। अरे मैम जी हमारी क्लास का आज ये पहला दिन है और ये गलती बस पहली बार हुई है, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, हम टाइम से स्कूल आएंगे। अच्छा टिप्सन, तो एक सर थे, तुम दोनों में से क्लास में एक ही बैठ सकता है क्योंकि एक ही सीट खाली है, बताओ किसको बिठाए। अरे मैम जी मैं तो ये बोल रहा हूँ टिप्सन को बिठा लो क्योंकि रोपिरो ने अपनी गलती नहीं मानी। अरे हाँ टीचर, ये टिप्सन तो सही लग रहा है मुझे क्योंकि रोपिरो अपनी सिटी में भी लड़ाई करता रहता है, तुम्हें यकीन ना हो तो इन सब से पूछ लो। अरे बैठो, तुम्हें भी कुछ नहीं पता, और वहाँ पीछे कौन कौन बैठा है पीछे बताओ तुम। अरे हाँ टीचर, इस टिप्सन को बिठा लो क्योंकि ये पढ़ाई में भी अच्छा होगा और मुझे रोपिनो नहीं लगता है पढ़ाई में अच्छा है। हाँ। जोकर के बच्चे तू कौन सा पढ़ाई में अच्छा है, मेरे हिसाब से दोनों को बिठा लो। मैम जी मुझे तो छोड़ दो। पिंचन के बच्चे, अकल कल से तुमने दंगा करी, तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दूंगी। हाँ तो टिप्सन मैं इन सब के कहने पे तुम्हें बिठा रही हूँ और रोपिनो तुम गेट आउट जाओ, टिप्सन तुम जाकर बैठो, देखो टिप्सन पीछे सीट पड़ी होगी उधर जाकर बैठ जाओ, तुम्हें भी अभी पता चलेगा मैं कितनी खतरनाक हूँ। अरे यार दोस्तों ये क्या हुआ, ये तो इस टीचर ने मुझे हल्के की दूरी बिठा दिया, चल भाई हल्के साइड हो जा क्योंकि मेरी सीट भी धरी है। ओए टिप्सन के बच्चे चुपचाप होकर बैठ जा। अरे टीचर ये टिप्सन और हल्क बहुत बोल रहे हैं दोनों। अरे रो फिरो देखिए टीचर बहुत खतरनाक है और इस टीचर से भी ज्यादा है जोकर, जल्दी से रो फिरो तू बाहर खड़ा हो जा, पता नहीं ये टीचर क्या क्या कराएगी। तो गाइस रो फिरो को तो इस मिस्ट्री टीचर ने बाहर निकाल दिया और गाइस टिप्सन की एंट्री हो चुकी है और गेट खुल चुका है। गाइस मैं टिप्सन का वेट बाहर करता हूँ और अच्छा हो गाइस मिस्ट्री टीचर ने रो फिरो को बाहर निकाल दिया क्योंकि आज दिख जाएगा ये मिस्ट्री टीचर कितनी खतरनाक है, तू देखते हैं। टिप्सन पीछे खड़े हो जाओ, बताओ 5 + 5 + 5 - 7 कितना होता है। अरे दोस्तों मेरी तो कुछ समझ नहीं आया, क्या पूछा था मैं तो भूल ही गया। अरे यार क्या पूछा था, अरे हल्क तुम्हें पता है क्या मैम ने क्या पूछा। टिप्सन के बच्चे जब टीचर बोल रही थी जब कहा था तो अब चलेगा पता। अरे टीचर मेरी क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। वाह टिप्सन बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारी क्वेश्चन समझ नहीं आया, अब देखो सब समझ आ जाएगा। हाँ तो जब तुम जब मैं पूछ रही थी। टिप्सन के बच्चे हल्क खड़े हो जाओ, टिप्सन को तो कुछ नहीं आता, हल्क तुम खड़े हो जल्दी। हाँ तो हल्क अब तुम बताओगे हमारी क्लास में टोटल कितने लोग हैं, जल्दी से गिनती करके बताओ और अगर नहीं बताया गया तो डंडा देख लो। अरे हाँ हाँ मैम जी बिल्कुल, वो तो मुझे पहले से पता है, हमारी क्लास में 9 बच्चे हैं। बस हल्क के बच्चे, मैं तुम्हारी गिनती नहीं देख रही थी, कॉमन साइंस देख रही थी, मुझे तुमने गिना नहीं हम पूरे गाइस। टिप्सन बिल्कुल सही बोल रहा था गाइस, इस करी टीचर ना बच्चों को जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछती है और उनको खामी खा के मारती है। हाँ तो छोटे हल्क खड़े हो जाओ, हल्क तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या मैंने क्या बोला, जल्दी से खड़े हो तभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, ये मुझे लग रहा है सुना है। तो ये इतने तेज हो रहे हैं मेरी बात भी नहीं सुनते। हाँ तो हल्क अब आई ना सुनाई। अरे टीचर मैंने तुम्हारी जानबूझ के बात नहीं सुनी। ओ अच्छा मेरे सामने बोल रहे हो, ऐसा क्यों किया, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या, कैसे बैठे हो सब, खड़े हो जाओ, तुम सबको तो मैं भी देखती हूँ और छोटे हल्क तुम बहुत ज्यादा बन के दिखा रहे हो। तुम टीचर ठीक नहीं हो, तुम बच्चों को खामे खा के मारती हो, तुम हमें ऐसे ही मारती हो, हम पे सब कुछ आता है, इन सब पे भी सब कुछ आता है। अच्छा तुम सबको भी कुछ कहना है, बताओ सब। गाइस यार ये टीचर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओह भाई तो सिंचन अब तुम्हारा बारी, 1 to 100 काउंट करके दिखाओ। मैम मुझे तो पूरी आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस सिंचन बस, मुझे पता है इन सबसे अच्छे तो तुम हो, देखो सिंचन से कुछ सीखो, सिंचन को पूरी गिनती आती है और इस टिप्सन को कुछ नहीं पता। ये सब बहुत ज्यादा बन के दिखाते हैं, तुम कैसी बैठी है, नीचे उतरो सबके सब, तुम सब बहुत तेज हो रहे हो। और सुन लो तुम सब, आज तो ये ट्रेलर था, कल की क्लास इससे भी ज्यादा खतरनाक हो
होगी। और हल्क तुम्हें मैं कल देखूंगी। कल को तुम सब तैयार होकर आना पिकनिक के लिए। तुमसे अच्छा सीन चैन है, तुम सब नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, रास्ते में सब ठहरे। चुप चुप तुम सब, तूने मुझे कैसे गिराया? ये नहीं चढ़ूंगी। मेरे ऊपर हंसते हो तुम सब? जाओ, आज तो तुम्हारी छुट्टी हुई, पूरा टाइम हो चुका है तुम्हारा छुट्टी का। अब तुम जल्दी से एक एक करके घर चले जाओ। चलो सुपरमैन पहले तुम जाओ और फिर तुम शिनचैन, जल्दी से चले जाओ बस। अरे ये मिस्टर टीचर कुछ ज्यादा ही बन के दिखाती है। इस मिस्टर टीचर के स्कूल में मैं कभी नहीं आऊंगा, ये बिना मतलब ही बच्चों को मारती है। आज तो सबकी पिटाई हो गई। ये मिस्टर मैं पूरे साल मारेगी है दोस्तों, इसकी इसको नहीं छोड़ूंगा। अरे यार दोस्तों, ये मिस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक, इसने तो मेरी पैंट बजा दी। अरे बाप रे बाप, इतनी खतरनाक टीचर। बस अच्छा हुआ रोफिरो तू इधर ही रह गया, वरना आज तेरी भी हड्डियाँ सारी टूट जाती। रोफिरो इसकी टीचर बहुत खतरनाक है। रोफिरो इसने लट बचा बचा के मेरी हड्डियाँ तोड़ दी। चल रोफिरो घर चल रहा है बस। हाँ यार टिप्सन, लेकिन इस मिस्टी की गुंडागर्दी कब तक चलेगी? रोफिरो सच में इस मिस्टी ने बहुत मारा। इनको नहीं पता मैं कितनी खतरनाक हूँ। चलो गार्ड घर चलते हैं। ओ ये खड़ी मेरी कार, इसको लेकर चलती हूँ अब मैं। इन बच्चे की तो आज मैंने बैंड बजा दी। अरे नहीं, ये मेरी कार कितनी टूट रही है। चलो अब हम घर चलते हैं।